हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कुक लाइक माँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी कैबेज रोल की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिए है कैबेज लीव्स। मेक श्योर कि आप इस तरह के कैबेज लीव्स ही लें, यानी कि बड़े बड़े पूरे अच्छे से निकालने की कोशिश करें, और निकालते टाइम हो सकता है तो टूट जाए वो, बट आप कोशिश करें कि पूरे ही निकाल लें। उसके बाद एक बड़े बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी को अच्छी तरह से उबालें और उसमें कैबेज लीव्स डाल दें। इस टाइम पे मीडियम फ्लेम पर आपको इन कैबेज लीव्स को थोड़ा सा कुक करना है। इसे आपको एकदम अच्छे से पानी में डिप करना है, तो किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये अंदर अच्छे से डिप हो जाए। और इसे कवर करके आपको 8 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। 8 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें और साइड में रख दें। उसके बाद लेंगे 250 ग्राम्स चिकन का कीमा, उसमें डालेंगे 1 छोटी प्याज जिसे एकदम फाइनली चॉप किया था मैंने, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बजाय आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो एकदम फाइनली चॉप करके। फिर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और धनिया जिसे भी मैंने चॉप कर लिया था। इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। फिर इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। अब इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद लेंगे 1 लीफ जिसे हमने साइड में रखा था, उसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा चिकन, 1 स्पून जितना, 1 बड़ा स्पून जितना आप रख सकते हो, या फिर जितनी क्वांटिटी लीफ के हिसाब से आ रही है उतनी क्वांटिटी। और इसे कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे कि आप इस तरह से फोल्ड करें कि जो चिकन है वो बाहर ना निकले, और इस तरह से आप बाकी रोल्स भी रेडी कर लें। और फिर एक स्टीमर को आपको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने एक बर्तन के ऊपर एक बड़ी इस तरह से छन्नी रखी और उसे ग्रीस कर लिया है। फिर उसके बाद एक एक करके जो कैबेज रोल्स रेडी किए वो रखना है। कैबेज रोल की जो साइज़ है वो अलग अलग आपको दिख सकती है, क्योंकि जो मैंने लीव्स जब निकालने का ट्राई किया था तो वो टूट रहे थे बीच में, तो कोई लीव मुझे बड़ी मिली कोई छोटी मिली, तो उस हिसाब से मैंने रोल्स रेडी किए हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा है कि आप जो कैबेज के लीव्स है वो अच्छे से रिमूव करें। सारे रोल्स रख देने के बाद आपको इसे स्टीम करना है 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। 12 से 15 मिनट बाद आपके जो कैबेज रोल्स हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, अंदर से भी एकदम जूसी बनेंगे, पर फिर भी आपको इसे बाहर से भी अच्छा टेक्सचर देना है, यानी बाहर से आपको अगर इसे क्रिस्पी बनाना है तो इसके लिए आपको एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल अच्छे से गर्म कर लें, और उसके बाद इन कैबेज रोल्स को थोड़ा सा फ्राई कर लें, तब तक जब तक कि ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इसे करने के लिए आपको 4 मिनट लग जाएंगे, 3 से 4 मिनट। मीडियम फ्लेम पर आप इसे करें ताकि ये एकदम अच्छे से बने। 3 से 4 मिनट के बाद आप जब इसे टर्न करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तो इसी तरह से आपको चाहिए, यानी ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। जो कैबेज लीव्स थोड़ी छोटी थी और अच्छे से जिनके रोल्स नहीं बन रहे थे, उन्हें मैंने टूथपिक की हेल्प से रोल्स बनाने की कोशिश की है, यानी टूथपिक की हेल्प से उसे स्टेबल रखने की कोशिश की है। तो आप भी टूथपिक की हेल्प ले सकते हो। फिर दोनों साइड से कुक करने के बाद आपके कैबेज रोल्स रेडी हो जाएंगे। और ये थी एकदम हेल्दी और यम्मी रेसिपी। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगी।